गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी अभी मैंने अपना एक वीडियो अपलोडिंग में डाला है, तो बस अब इवनिंग से मैं अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस अभी शाम के बच्चे हैं 6:30, और अभी वेदर इतना भयानक वाला होता है। देखिए ये देखिए मतलब चारों तरफ से ऐसा हो रखा काले, और बिजली कड़कती जैसे कल रात कड़क रही थी ना वैसे। तो अभी बच्चे खेल रहे हैं छत में, और अभी वो बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं कब अचानक से बारिश आ जाए, तो अभी जाना पड़ेगा नीचे। और हर्षित अभी पतंग उड़ा रहा है अपनी, क्योंकि हवा चल रही है तो उसको भी अच्छा लग रहा है कि पतंग उड़ जाएगी उसकी। तो बस अभी बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी थोड़ी छत में टहल रही हूँ, और अभी करेंगे डिनर की तैयारी। डिनर में देखते हैं आज बैंगन बनाऊँगी या फिर क्या बनाऊँगी, बैंगन बनाऊँगी या बीन्स बनाऊँगी। और बीन्स बनाऊँगी तो हर्षित को मज़ा आएगी, बीन्स हर्षित को बहुत पसंद है। तो बस थोड़ी देर छत में थोड़ा सा वॉक करेंगे और बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद नीचे चलेंगे तैयारी करने। तो ये तीनों मैडम हमारे खेल रही हैं। क्या खेल रही हो तुम? फ्रेंड्स। अच्छा, मम्मा मम्मा नहीं खेल रही आज ना? और आज मीशा ने ना पैजामा पहना है नीचे, आज उसने वो नहीं पहना है शॉर्ट्स, क्योंकि उसको लग रहा था कि ऊपर से ना वो गिर गई थी छत में। क्या बनाया आपने? चुटकी का घर। अच्छा, और मीशा क्या बना रही है? मीशा का भी स्टार्ट हो रहा है। मीशा, मीशा क्या बना रही हो? हाँ, मैं चुटकी का घर। मम्मी आज पढ़ाई नहीं करनी? पढ़ाई थोड़ी देर करनी। आज छुट्टी है किस चीज की? संडे बंदे। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। नहीं, छुट्टी किस दिन होती है? वेडनेसडे। सैटरडे संडे, तो आज है सैटरडे। आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। ड्राइंग की क्लास तो आ रही है। ड्राइंग तो बनाना है, पपाया बनाना है। सुपर पावर, वाओ, मायरा का सुपर पावर। ये देखिए मायरा का सुपर पावर, चुटकी का सुपर पावर, वाओ। अब मीशा बोलना चाह रही है। मीशा कुछ बोलना चाहोगी आप? हेलो एवरीवन। जोर से बोलो ना, हेलो एवरीवन। और हमारी छुट्टी है, और हमारे दीदी ड्राइंग के, और हम सुबह से खेलने ले, अभी हम खेलेंगे। किससे खेल रहे हैं? हाँ जी, मेरा चाय छोटा पापा चूचू। अच्छा, अपना चूहा दिखा रही है, है ना? चूहा दिखा रही हो आप अपना, और आप अपना एरोप्लेन। कछुआ है तो कछुआ है। हाँ जी, चलता है। चलता भी है ये? फिश मोटी है, मोटी। ये फिश मोटी है। अच्छा, देखो जी मेरा कछुआ। बस हो गई आपकी व्लॉगिंग? क्या और करनी है आपको व्लॉग? हमें और व्लॉग करनी है। हाँ, क्या बोलना है और कुछ? हमारे पापा ऑर्बिट गए हैं,
भैया की बहुत एग्जाम थे, भैया जहाँ पर बिल्कुल भी प्लान नहीं करते, भैया छोड़ गए हैं आज। और भैया स्कूल गए, भैया बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। हाँ भैया के एग्जाम है, घड़ी में किए, घड़ी देखा नहीं, अच्छी घड़ी में दिखाती हूँ, घड़ी में बज गए हैं 11:15। हाँ जी, कितने हो रहे? 11:15। और भैया मामा से तो गया है, भैया अपना मास्क ले, और मैंने भैया को दिया है। और मैं डॉगी पोटी करता है। अच्छा और कुछ? और मायरा आप कुछ कहना चाहोगी? और हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? और व्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, और मायरा शिक्षक बिल्कुल भी क्लास नहीं करती है। मायरा अच्छे से क्लास नहीं करती है। अच्छा करती हूँ, मेरे को पेन नहीं पता, एबीसीडी पता है आपको? एबीसीडी आती है? अच्छा एबीसीडी सुना दो सबको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ओ वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। वेरी गुड, अब मायरा सुनाएगी। ए बी सी डी सुनाओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम एम ओ पी क्यू आर एस टी ओ वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। पोएम तो नहीं सुनानी, बस चलो आप सबको बाय बोल दो, ये तो काउंटिंग है। अच्छा सबको बाय बाय बोल दो, चलो बहुत बातें हो गई ना, बाय बाय कर रहे हैं, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। क्लिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 11:15, और जैसे कि आपने देखा आज मिशा ने कहा कि मैं व्लॉगिंग, मम्मी मैं व्लॉगिंग करूँगी, तो मैंने कहा चलो आप व्लॉगिंग स्टार्ट करो। तो आज मिशा ने व्लॉग स्टार्ट किया है, तो बस चलो मैंने कहा मैं भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस अभी बज रहे हैं 11:15, और आज मिशा माने की है छुट्टी सैटरडे की, तो वो अभी कर रही है इंजॉय अपना गेम, तो अभी खेल रही हैं ब्लॉग से। और हर्षित गया है स्कूल, हर्षित के अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 13 तारीख से, तो वो अभी उसकी तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं, उसके रिविज़न वगैरह टेस्ट चल रहे हैं, तो अभी स्कूल गया है, तो वो आएगा 2 बजे। और अभी हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया ख़त्म, अब दिन में लंच की तैयारी होती है। लंच की तैयारी हम तो मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, तो क्योंकि ये रहता कि अगर तैयारी हुई रहती तो फिर ये होता कि 1:30 बजे आप जब भी आपको खाना तो गर्म गर्म बनवा लो, तो फिर हमारी मॉर्निंग में तैयारी हो जाती है कि हमें क्या बनाना है। तो बस उसकी तैयारी हो चुकी है, और अभी हस्बैंड गए हैं ऑफिस, वो आएंगे लंच ब्रेक में। तो बस अभी मॉर्निंग में हो रहा है, मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश का भी कोई छोटी छोटी वाली बूंदें नहीं होती, झुरझुर वाली वो वाली हो रही है। तो अभी मैं मतलब बाहर ही बरामदे में खड़ी हुई थी कि बारिश अचानक से आ गई, और मैं ऐसा करूँ छत में कपड़े डाले या जो थोड़े बहुत सूखे हुए वो भी गीले हो जाएँ, तो इस वजह से भी मैं बाहर ही खड़ी थी। तो मिशा हमारे यहाँ पर खेल रही, कह रही मम्मी वीडियो स्टार्ट करो ना। तो जो आजकल मैंने थोड़ा सा इवनिंग में थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं आज अपना कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग, अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी मिशा हमारे यहाँ पर खेल रही हैं, ये देखिए हो गई हमारी तैयारी, ये भिगो दी हमने चावल, और इसमें दाल उबालने रखी है, और ये हमारी टमाटर की प्यूरी बन चुकी है, और सुबह मॉर्निंग के जो बर्तन हैं ये धुले हुए हैं, अभी इनको अपनी जगह पर रखने हैं, इनको एडजस्ट करने हैं। तो बस अभी करेंगे लंच की तैयारी, और बच्चे आ गए हैं यहाँ टीवी देखने, तो चल रहा है उनका मोटू पतलू। बस लड़ाई नहीं करनी, अभी इनका चलता रहता है, और वेदर अभी कुछ इस तरह से हो रखा है, अभी तो लग रहा है कि मौसम खुलेगा। ये देखिए मौसम खुलने वाला है। और हां सी आज किसी का टेस्ट था? आज का एसएससी का टेस्ट। क्या क्या पूछा था मैम ने? पूछा कि कितने होते हैं ये, ओ टीचर ने पूछा कि मैप आएंगे, टीचर ने पूछा कि उसमें वो कैसे आएगा, और टीचर ने टेस्ट लिया। आपका पेपर है ना उसका? इसीलिए मैडम ने टेस्ट लिया आपसे कि आपको कितना नॉलेज है। कितने नंबर आए? 9। एक नंबर कहाँ गया? एक क्वेश्चन नहीं है। आपने चेक किया उसके बाद?
बेटा क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, क्रॉस चेक जब करोगे तभी अपनी गलती पता चलती है कि हमने क्या क्रॉस किया है। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, मैडम ने टेस्ट लिया, ठीक है, उसमें से आपके 2 नंबर 3 नंबर कट गए, तो उसको हमेशा क्रॉस चेक करो, तब गलती पता चलती है, तब आपने कहाँ गलती करी। ये नहीं कि 2 नंबर कट गए छोड़ो, कट गए नहीं, मतलब वो क्वेश्चन टफ है, आप कर नहीं पाए उसको, तो उसको चेक कर लो आपकी कहाँ गलती करी, चेक कर लिया फिर आपके नॉलेज में आ गया कि आपने कहाँ पे गलती करी। भविष्य में कभी भी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सबसे पहले याद आएगा, याद आ जाता कि हमने कहाँ पर गलती करी, कहाँ पे गलती करते, मुझे और मैंने याद किया था उस दिन, याद एक तो याद भी हो जाएगा और उसको आप भूलोगे नहीं, याद आ जाता। जो गलती करके आप क्वेश्चन को याद करोगे वो जल्दी समझ में आता है, हमेशा के लिए याद रहेगा वो, उसमें कभी गलती नहीं होगी। और मैम ने परसों से पेपर है तो समझा दिया अच्छे से, हैं जो कुछ भी मैम से पूछना था पूछ लिया ना, ऑनलाइन चलेंगे ना पेपर वगैरह, ऑनलाइन होगा तो बेटा ढंग से करना, कैसे फ्लिप करना है, कैसे टिक मार्क आएंगी, या आपको रिटर्न में लिख के देना है तो उसको कैसे सेंड करना है, पीडीएफ फाइल बनानी है, कैसे उसको सेंड करना है, कितनी देर में करना है, ठीक है ना, वो हर चीज़ पूछ के आएगा ना। अब परसों पेपर है उसकी पूरी तैयारी कर लो, 10 में से कोशिश करो 10 के 10 नंबर आए, नहीं आए 8 आए, पर गल्ती कहाँ करी वो पता होना चाहिए आपको, बस मेन्स समझ गए, हर सब्जेक्ट की एक की नहीं हर सब्जेक्ट में, उसमें नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे लंच में क्या बना है देखते हैं। ये बनी है मिक्स दाल, अंधेरे में हो रखा है, लाइट खुल गई है, तो ये बनी है मोटी दाल, चने और राजमा, ये बन गए हैं चावल, ये बन गई है टमाटर की चटनी। चलो लंच करते हैं पहले। मतलब मेरे फ़ोन में दिक्कत आ रही थी, मैंने कहा वो जो मेरे फ़ोन का है ना ऑन ऑफ का बटन होता है जो पावर का, तो वो लूज़ हो रहा था, वो निकल गया था, तो अभी मतलब फ़ोन वारंटी में ही था, पर मैंने कहा चलो मैं दिखा लेती हूँ, तो मैं दिखाने गई तो उसने बोला कि 1-1.5 घंटा लगेगा इसको छोड़ कर चले जाओ, मैंने कहा इतना टाइम है नहीं, फिर बोलता है कि चलो ठीक है हमने कहा कल आ जाएंगे, तो कह रहा है कोई बात नहीं 10 मिनट में कर देता हूँ, वो भी मतलब हमने कहा 10 मिनट में कैसे हो जाएगा अभी तो 1.5 घंटा लग रहा है, कह रहा है काम भी है ना और काम भी देखने पड़ते हैं, पहले बोला कि अभी 1.5 घंटा लग जाएगा इसमें, मतलब ऐसे पेप को बनाते लोगों को, तो बस चलो मेरा काम हो गया है, मेरा फ़ोन का वो पावर का बटन ठीक कर दिया है, पता नहीं अब देखते कैसे करा उसने, और बस अब करेंगे डिनर की तैयारी, बच्चे खेल रहे छत में, वेदर अभी बारिश का ही हो रखा है, सुबह से आज बारिश का वेदर हो रखा है, तो पता नहीं कब बारिश आ जाए, बहुत तेज़ आएगी बारिश, तो चलो फिर ठीक है करते हैं अपने डिनर की तैयारी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।